चलिए फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को गुड इवनिंग। चलिए बहुत बढ़िया, जितने भी जुड़े हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितने लोग भी जुड़े हैं एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि सबके पास तक पहुंच पाए। क्योंकि यह मौका बहुत ही सौभाग्य है कि प्रैक्टिकल क्लासेस लाइव होने स्टार्ट हो गई हैं। एक पिछले क्लासेस में आपने अब देखा था कि नोटपैड की क्लास ऑलरेडी चल चुकी है। फिलहाल नोटपैड की क्लास आप देख चुके हैं, चल चुकी है, ठीक है। और आज भी आपके सामने कुछ क्लास, कौन सी क्लास स्टार्ट होनी है, हमने बताया था लास्ट टाइम आपको कि आज की हम लोग की जो न्यू क्लास स्टार्ट होगी उसका नाम है MS पेंट, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने नोटपैड में क्लियर कर लिया है कि नोटपैड में क्या वर्क होता है, उसमें क्या क्या शॉर्टकट आते हैं। आज जो हम लोग की पढ़ाई होने वाली है वो MS पेंट पे आधारित है, ठीक है। तो आप सबको पहले तो गणतंत्र दिवस, बीते गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। 26 जनवरी 1950 के दिन हम लोग का संविधान लागू हुआ था। इसकी वजह से हम लोग इसे गणतंत्र के नाम से मनाते हैं, ठीक है। गणतंत्र इसका मतलब ही है दोस्तों, गणतंत्र, ठीक है। गण का मतलब हो गया हम सभी लोग, जन, ठीक है। गण का मतलब जनता, तंत्र का मतलब सरकार, ठीक है। अब आ गई जनता की सरकार, ठीक है। तो जनता की सरकार कब से लागू हुई? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। हम लोग बोले तो डायरेक्ट, यानी कि आप खुद अपना सरकार बनाएंगे, ठीक है। पहले क्या होता था, जैसे राजा है तो राजा राज्य करेगा, उसके बाद उनका बेटा राज्य करेगा, ठीक है। तो फिर राजा के बाद उनका बेटा, ठीक है, और फिर उसके बाद बेटे के बाद फिर इनका पोता जो आएगा वो बनेगा, फिर ऐसे ही नाती पोता सब बनते चले जाएंगे। लेकिन क्या दूसरे को मौका मिला क्या शासन करने का या देश चलाने का, राज्य चलाने का, साम्राज्य चलाने का? किसी दूसरे को मौका नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अब चुनाव के आधारित हो गया। गणतंत्र का मतलब यही है कि लोगों की सरकार है, तो संविधान में नियम जो बना दिया गया उसी नियम से आपको चलना है। यदि संविधान में नियम लिखा है कि चुनाव होगा तभी आप जो है एक शासक बन पाएंगे। आज यदि राष्ट्रपति हो, चाहे हम लोग का प्रधानमंत्री हो, चाहे अन्य कोई भी, देख लीजिए आप, सारे लोग का क्या होता है, चुनाव होता है तभी वो चुने जाते हैं, ठीक है। और तभी वो जाके वहाँ पे जनता की कमान को संभालते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी बात थी, ठीक है। और फिलहाल 26 जनवरी हम लोग मना चुके और ख़त्म भी हो गया। आज 28 तारीख है, तो 28 तारीख को आज हम लोग अपना एक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है MS पेंट। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो है सेशन को शेयर कर देंगे ताकि आपके मित्र सभी लोग जुड़ जाएं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोग लगभग आ चुके हैं। अब क्लास को हम लोग बिल्कुल स्टार्ट किया जाए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि बहुत आवाज़ आपको बिल्कुल क्लियर होगी। तो दोस्तों, सहयोग आपका रहेगा तो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और CCC को तो इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल हवा बनाकर छोड़ूंगा। कहने का मतलब समझ जाना कि अगर चैनल पे आ गए तो CCC पास होकर ही जाओगे, ठीक है। लिखित रहेगा, बस थोड़ा सा मेरे प्रैक्टिकल क्लासेस इस पे जुड़ जाने दो, उसके बाद जो है MCQ मेरा चालू रहेगा। MCQ तो पर डे आपको मिलता रहेगा, PDF भी हमारा जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो पर डे का PDF मैं दे दूँगा। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दें, ठीक है, आपको PDF भेज दिया जाएगा। कोशिश ये रहती है कि हम लोग के टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाए आपको। तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है यस कंप्यूटर सेंटर के नाम से, जहाँ पे आप जाके जुड़ सकते हो, ठीक है। चलिए तो बिना देर किए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जो लोग बच्चे भी जुड़े हैं अभी। तो आज की क्लास में, हालांकि जैसा कि आप देख पा रहे हो थंबनेल हमारा,
कि आज हम लोग एमएस पेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पेंट का मतलब ही है कि इसमें पेंटिंग का काम सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पेंटिंग कैसे करोगे? जब तक ड्राइंग नहीं करोगे तब तक आप पेंटिंग तो कर नहीं पाओगे। कहने का मतलब पहले आप ड्राइंग सीखेंगे, उसके बाद आप सीखेंगे पेंटिंग। तो पहला काम क्या होगा? ड्राइंग बनाएंगे तभी तो पेंटिंग आप करोगे। ठीक है, तो एमएस पेंट में क्या क्या वर्क होते हैं चलिए देखते हैं। सिंपल सी बात, ड्राइंग करेंगे उसको क्या करेंगे? पेंटिंग करेंगे। ये ट्रिपल सी की बैच चल रही है, ये ध्यान रखिए। बाकी आप जानते ही हैं कि पर डे जो है क्लास चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, आपके यूट्यूब पे, यूट्यूब जगत में बहुत ही बेहतर क्लास आपको देखने का मौका मिल रहा है, तो आप बिल्कुल फ्री में जुड़े, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा और बिल्कुल फ्री में आपकी पढ़ाई होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। चलिए, सबसे पहला पॉइंट होता है कि एमएस पेंट स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि अगर एमएस पेंट स्टार्ट कैसे करते हैं। जैसे हम लोगों ने पहली बार सीखा था कि आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे स्टार्ट बटन पे। ठीक है, सबसे पहले कहाँ जाना है आपको? स्टार्ट बटन, आप ये देख पा रहे हो यहाँ कॉर्नर में स्टार्ट बटन है हम लोग का। ठीक है, ये तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं हम लोग तो ऑल प्रोग्राम मिलता है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं एसेसरीज में। देखिए मैं बिल्कुल आपको एक एक ठो बारी बारी से दिखाता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, उसके बाद हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, उसके बाद आप देख पा रहे हैं ये सारे प्रोग्राम हैं, एडोब फोटोशॉप, इमेज रेडी, सारे सॉफ्टवेयर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद आपको जाना है विंडोज एसेसरीज। ठीक है, यहाँ पे आना है विंडोज एसेसरीज पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप देख सकते हो विंडोज एसेसरीज में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जिसका नाम क्या लिखा है, पेंट लिखा है ना। हम लोग किस में है, विंडोज एसेसरीज में, और यहाँ पे पेंट, पेंट 3D भी है, तो इस पर अभी नहीं सीखना है हम लोगों को, आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग पेंट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप पेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एमएस पेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो एमएस पेंट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया। अभी यदि हम लोग बात करें एमएस पेंट की इसमें, तो आप देखेंगे कि ऊपर जो है दो दो लाइनें नज़र आ रही होंगी आपको कुछ, तो आप देखिए एक लाइन तो ये मैं आपको बना दूँ। अगर ये लाइन पूरा इसका डायलॉग बॉक्स है, एक लाइन तो आप पे को ये साफ क्लियर नज़र आ रहा है, उसके नीचे एक और लाइन है आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक उसके नीचे आपको लाइन देखिए ये लाइन जा रही है। ये अलग अलग पार्ट हैं, इनका अलग अलग नाम है। अब देखिए अगर आप चाहेंगे तो यहाँ बीच में भी आपको देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखिए बीच में भी आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी। ठीक है, यहाँ भी एक लाइन है, तो जहाँ जहाँ लाइनें हैं हमने देखिए यहाँ ड्रॉ कर दिया है, सब अलग कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, अब इन सब ऑप्शन के बारे में अगर हम लोग समझेंगे यहाँ पे, ठीक है, अब किसको क्या बोलते हैं ये चीज़ें हम लोग जानते हैं। लेकिन नोटपैड में आप सीखे हैं तो आपको, हमें उम्मीद है कि आपको याद भी होगा, अगर याद होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले तो आप देख पा रहे हो तो यहाँ लिखा हुआ है अनटाइटल्ड एमएस पेंट। ठीक है, ये फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम ही होता है, एमएस पेंट में जो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है वो अनटाइटल्ड है। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको बोलते क्या है अगर हम लोग सीखें, तो सबसे पहले तो मैं ऊपर वाली लाइन को, पूरी लाइन को बता दूँ क्या बोला जाएगा, तो इस लाइन को बोला जाता है टाइटल बार। हालांकि इसके पहले वाले क्लास में आप जानते हो, और टाइटल बार हमेशा ऊपर होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नोटपैड में हमने बताया था कि टाइटल बार कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। उसके अब टाइटल बार में इधर आप राइट साइड भी आते हो, यहाँ आपको तीन बटन मिलते हैं। देखिए तीन बटन आपको नज़र आ रहे होंगे, सबसे पहला बटन है किनारे जो क्रॉस दिख रहा होगा, इसका नाम ही है क्लोज। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें सेकेंड वाले की, तो इसका नाम है मैक्सिमाइज, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमाइज।
स्मॉल लेटर है, ध्यान रखना। और अगर इस ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करें तो इसका नाम है मिनिमाइज, ठीक है? क्या बोलेंगे? मिनिमाइज, टाइटल बार में कितने बटन हो गए? तीन, क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। इधर आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे, तीन चार ठो देखिए इधर, ठीक है? इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग जानते हैं क्विक, QUIC के, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है? AWCESS और टूल बार, ध्यान से देखना, इसको बना भी सकते हो आप अपने लिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीजें, ठीक है? अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप बताएं कमेंट में, और लाइव चैट में आप कर ही रहे हो तो आप लाइव चैट में ही बताओ, आपको रिप्लाई मैं वहीं पे कर दूंगा, ठीक है? तो सबसे पहली बात आप समझ गए कि टाइटल बार में तीन बटन, चार, तीन बटन इधर, बाकी इधर क्या पाया जाता है? क्विक एक्सेस टूल बार पाया जाता है, ठीक है? इसका डिफॉल्ट फाइल नेम होता है अनटाइटल, ऊपर लिखा हुआ है। अब उसके बाद नीचे की बात करते हैं हम लोग, यहाँ जहाँ फाइल लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं पेंट मीनू। क्या बोला जाता है? पेंट मीनू, ठीक है? एक ही मीनू इसमें होता है जिसका नाम क्या है? पेंट मीनू। इस मीनू में जैसे फाइल को सेव करना है, ओपन करना है, चेंज करना है फाइल का नाम, या फिर प्रिंट करना है, ये सब बातें इसमें आती हैं। बाकी अब फाइल के बगल में देखिए होम लिखा है या व्यू लिखा है, इसको क्या बोलते हैं? अगर आपसे कोई पूछता है कि इसको क्या बोलते हैं तो आप बता दोगे इस लाइन को बोला जाता है टैब, ठीक है? इसमें टैब पाया जाता है। तो कितने टैब हैं? दो टैब हैं, एक आपका होम टैब है और एक व्यू टैब है यहाँ पे, ठीक है? अब अगर ये वाई जो पट्टी दिखाई दे रही है, ये बीच वाला एरिया अगर हम लोग बात करें इतने की, ठीक है? तो इस एरिया को किस नाम से भी जानते हैं अगर बात करें हम लोग, तो इस एरिया का नाम है रीबन, ठीक है? इस एरिया का नाम क्या हो जाएगा? RIBON, यानी क्या नाम हो गया? रीबन, एक ही में रहेगा, सॉरी अलग नहीं है। तो आप ये बात सोचना कि रीबन अलग है, RIBON पूरा मिला के क्या बनेगा? रीबन, ठीक है? जगह कम था इसलिए मैं लिख नहीं पाया हूँ। बाकी आगे चले गए थे हम लोग, चलो अब उसके बाद रीबन में क्या पाया जाता है? देखिए यहाँ भी लिखा है कलर, यहाँ पे क्या लिखा है? सेप, यहाँ पे लिखा है टूल्स, इधर आपका क्लिप बोर्ड लिखा है, तो इन सबको क्या बोलते हैं? इमेज लिखा है, ठीक है? बीच बीच में आपका पार्ट भी है, तो इन सबको अलग अलग नाम से जो हम लोग जानते हैं उसको आपको बता दें, ग्रुप होता है, ठीक है? उसका नाम क्या होता है? ग्रुप होता है, ठीक है? चलिए ग्रुप होता है तो ग्रुप में समझ लेते हैं हम लोग। अब ग्रुप में ये जो आपके हैं पेस्ट, कट, कॉपी, ठीक है, इन सब को हम लोग ऑप्शन बोलते हैं, ठीक है? ये सब जो है क्या है? ऑप्शन है। तो समझ में आ गया, क्या खुलेगा? पहले टैब खुलेगा, उसके बाद उसका रिबन ओपन होगा, उसके बाद क्या खुल जाएगा? ग्रुप खुल जाएगा। तो अगर हम आपसे बात करें कि होम टैब में कितने ग्रुप हैं तो आप बताएंगे 1, 2, 3, 4 और 5, यानी होम टैब में कितने ग्रुप हो गए? पांच ग्रुप हो गए। और यदि हम लोग व्यू टैब की बात करें तो व्यू टैब में देखिए कितने ग्रुप हैं, जूम हो गया और शो आर हाइड है डिस्प्ले, केवल तीन ग्रुप हैं इसमें, ठीक है? तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? उसके बाद आप देखिए नीचे आपको मिलेगा ये व्हाइट वाला एरिया, या फिर आप ये स्केल जो है यहाँ पे, यहाँ भी आपको स्केल मिल रहा है, तो इसको जो ऊपर वाला है इसको हम लोग बोलते हैं टॉप, ठीक है? इस स्केल का नाम है रूलर, ठीक है? ये ऊपर में है इसलिए इसको टॉप रूलर बोला जाएगा, और ये आपका लेफ्ट में है इसलिए इसका नाम हो जाएगा लेफ्ट रूलर। याद रहेगा क्यों? टॉप रूलर और लेफ्ट रूलर दो ठो होता है इसमें, ठीक है? अब रोलर का यूज क्या है यदि आपसे कोई पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। सेप का यदि हमको साइज नापना होगा तो हम देखें, ठीक है? सेप का साइज नापने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा मिल गया पॉइंट,
देखिए अगर 5 ये आपको यूज समझ में आ रहा होगा, ठीक है, रूलर का यूज है आपका। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, बाकी जो व्हाइट वाला एरिया है इसको किस नाम से जानते हैं यदि बात करें अब तो इसको जानते हैं हम लोग वर्किंग एरिया नाम से, ठीक है। ये बीच वाला एरिया जो है इसको किस नाम से जाना जाएगा, वर्किंग एरिया से। देखिए डायलॉग बॉक्स बिल्कुल क्लियर समझिएगा, क्योंकि बहुत इंटरनल क्वेश्चन फंसता है, कहीं भी क्वेश्चन देखोगे तो ऐसे नहीं कि इजी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उलझा हुआ क्वेश्चन आएगा ही। अभी देखिए एक आपको यहाँ पे स्क्रॉल बार नज़र आ रहा होगा, ठीक है, और अभी आप देखिए दो दो टू स्क्रॉल बार दिख लेंगे। एक तो आपका ये हो गया, यहाँ बटन देखिए दिखा रहा है ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए, फिर इधर देखिए राइट आने के लिए, यहाँ लेफ्ट आने के लिए, ठीक है। तो इसको किस नाम से जानते हैं, ठीक है, इसकी बात करें हम लोग तो इसको हम लोग जानते हैं क्योंकि ऊपर नीचे है ना ये, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये खड़े में है स्क्रॉल बार, इसलिए इसका नाम हो गया वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। इसका नाम क्या बताएंगे, वर्टिकल स्क्रॉल बार। चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। एक बार सेशन को शेयर कर दो ताकि और संख्या हम लोग के पास आ सके। ये नीचे में है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का हिंदी क्या होता है, क्षैतिज होता है। देखिए HORIZONTAL, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का काम क्या होता है भाई, लेफ्ट राइट करने के लिए पेज को, यदि हमें लेफ्ट राइट करना है तो हम इसका यूज़ करेंगे, यदि हमें अप डाउन करना है तो हम वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए एक लास्ट लाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ देखिए साइज दिख रहा है पेज का, ठीक है, यहाँ पे आपको जूमिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। यदि मैक्सिमम जूमिंग हम लोग बढ़ाएँ तो देखिए MS पेंट की यदि मैक्सिमम जूमिंग की बात करें हम लोग तो 800% होता है, ठीक है। MS पेंट में यदि हम लोग मैक्सिमम जूमिंग की बात करें, ठीक है, मैक्सिमम जूम अगर आपसे कभी भी पूछे तो आप बताइएगा 800% होता है, ठीक है। और सबसे कम की यदि बात करेगा तो मात्र 12.5% होता है, 12.5%। यानी मैक्सिमम जो हो गया आपका 800%, मिनिमम जो है 12.5%। और यदि आपसे डिफ़ॉल्ट बात करता है तो डिफ़ॉल्ट रूप से वो 100% रहता है हमेशा। यानी हम लोग काम कितने पे करते हैं, 100% पे ही करते हैं, ठीक है। चले तो ये था आपका डायलॉग बॉक्स, हमें लगता है समझ में आ गया होगा। तो सबसे लास्ट वाली लाइन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो जहाँ आपका जूमिंग शो कर रहा है तो उसको हम लोग जानते हैं स्टेटस बार के नाम से। याद रखिएगा इस लाइन को किस नाम से जानते हैं भाई, स्टेटस बार, ठीक है। अब उसके नीचे आपको देखिए डेटा एंड टाइम वाला एरिया दिख रहा है, इधर आपको इंसेंटिव आइकन दिख रहे हैं, ठीक है। अभी इतना समझ में आपको, तो मैं भी इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको नोट कर लेना कि किस पार्ट को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया सेशन है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी नीचे आपको ये सब छोटे मोटे आइकन दिख रहे होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इंसेंटिव आइकन। हालांकि हम एक बार बता चुका हूँ मैं पहले भी, हर बार बताते हैं हम लोग जितने सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इंसेंटिव आइकन याद रखना, इंसेंटिव आइकन ये होगा डेटा एंड टाइम वाला एरिया, ठीक है। और इसको हम लोग जानते हैं स्टार्ट बटन के नाम से, ठीक है, स्टार्ट बटन याद रहेगा क्या, ये स्टार्ट बटन है, ठीक है। चाहे विंडो की बोल दीजिए, यहीं से आपका कोई प्रोग्राम ओपन करना है तो हमको यहीं पे जाना पड़ता है। चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए हम लोग पेज बड़ा कर लिए हैं, अब हम लोग सीखेंगे MS पेंट के ऑप्शंस के बारे में। अभी तो हम लोग का केवल डायलॉग बॉक्स क्लियर हुआ है, अगर हम लोग बात करें तो अभी डायलॉग बॉक्स के आगे चले हम लोग ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। चलिए तो इसमें देखिए पेंट मीनू बहुत सारा ऑप्शन है जिसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे काम डिजाइन बनाते हुए। तो सबसे पहले मैं आपको एक नाइट सीन बनाने के लिए बताऊंगा। तो चलिए कैसे बनाते हैं नाइट सीन हम लोग देखते हैं, ठीक है।
सबसे पहली डिजाइन हम लोग की होगी बिल्कुल नाइट सीन, ठीक है। हाँ चलिए, तो एक कहानी याद रखिएगा, एक राम है, ठीक है, मानते हैं एक कौन है, राम है और श्याम है, ठीक है, राम और श्याम है। राम और श्याम, ठीक है, इन दोनों में बहस हो गई। राम बोला कि चलो ड्राइंग बनाते हैं और देखते हैं किसका सबसे अच्छा होता है। राम के पास मान लीजिए समय था तो पहले डिजाइन बनाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही हो आपको। तो किया क्या, सबसे पहले वो आया, ठीक है, तुरंत एमएस पेंट ओपन कर लिया। एमएस पेंट ओपन करने के बाद वो काम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग ओवल पे जाएंगे तो एक सर्कल लेंगे, ठीक है, उसने भी तुरंत एक सर्कल लिया, ठीक है, उसको छोड़ दिया। देखिए सर्कल ड्रॉ करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पे आगे क्लिक कर देना है, यहाँ शेप लिखा है बहुत सारा, तो इन शेप में जो भी आपको शेप चाहिए, देखिए इसमें से शेप ले लीजिए, उसके बाद इस पे क्लिक करिए। अब जहाँ हम लोग का वाइट वाला एरिया है वर्किंग एरिया, आप अपने वर्किंग एरिया में आ जाइए, ठीक है। अब वर्किंग एरिया में आने के बाद क्या करना है, आपको अपना माउस का लेफ्ट बटन दबाना है और ड्रैग करना है, ठीक है। तो जितना बड़ा आपको ड्राइंग चाहिए उतना बड़ा अपना ले जाओ, ठीक है। अभी इसको उठा के आप रख भी सकते हो, छोटा बड़ा करना हो तो यहाँ देखिए छोटा बड़ा भी आप कर सकते हो, ठीक है, इधर से भी छोटा बड़ा कर सकते हो। टोटल देखो तीन जगह इधर है, तीन इधर, 6, 2, 8 जगहों से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है, उठा के रखना है कहीं भी रख दो। और आपको बता दें दिक्कत कब आएगी, अब जैसे अगर आप दोबारा, जैसे अभी तो उठा के रख दे रहे हो आसानी से, ठीक है, अगर आप यहाँ ला के क्लिक कर दोगे अब बाहर, तो ये फिक्स हो जाएगा, दोबारा आप इसको नहीं हटा पाओगे। एक ही तरीका होगा कि आपको दोबारा सेलेक्ट बटन पे आना होगा, सेलेक्ट करेंगे तो बैकग्राउंड सही सेलेक्ट होगा, तब आप इसको आसानी से उठा ले जाओगे, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, देख लो इसमें, ठीक है। तभी मैं दिख बताऊँगा ऐसी समस्याओं से कैसे हम लोग निकलेंगे, कैसे इन दिक्कतों को दूर किया जाएगा, ठीक है। ऐसी अगर प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है कि ये कट रहा है इसका बैकग्राउंड वजह से, तो कैसे, या ढक रहा है पीछे वाला इमेज, तो इसको कैसे हटाएंगे हम लोग, अभी आगे मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बना रहे हैं चाँद ना, तो चाँद बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, चाँद नहीं देखो मैं गोला बना रहा हूँ, ठीक है। एक गोला हम लोग ड्रॉ कर लिए, दूसरा गोला लाया, उसको भी इस पे लाकर छोड़ दिया, ठीक है, उस गोले को भी लाकर हम लोग इस पे छोड़ दिए, समझ में आ रही बात। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, बाहर क्लिक कर दिए, ठीक है। और भी अगर आपको बनाना होगा तो और भी बना सकते हो आप, बिल्कुल सीधा गोला ड्रॉ करना, ठीक है। चलो आप भी ऐसा बना सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, फिल विद कलर में आना है। देखिए फिल विद कलर ऑप्शन कहाँ पाया जाता है, टूल्स ग्रुप देख रहे हो, इसमें आओगे तो ये मिल रहा है फिल विद कलर ना, सॉरी कलर, तो कलर देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है। कलर वन में आप ब्लैक कलर भर लेना, ठीक है। तो कलर वन में हमने क्या किया, ब्लैक कलर फिल कर दिया। अब हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे ब्लैक कलर पे है, तो आप देखोगे जैसे ही हम इस पर क्लिक करके आते हैं तो एक हम लोग को ब्रश मिल गया, ठीक है, ये बाल्टी टाइप का ब्रश है आपके पास। अब आप फिल विद कलर ऑप्शन की सहायता से आप ये जो व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है बिल्कुल बाहर, इसी में एक बार कहीं भी क्लिक करके छोड़ दो, फिर उसके बाद ये बाहर जो व्हाइट दिख रहा है इसको क्लिक कर दो, फिर ये वाला व्हाइट वाला, फिर अब देखिए ये तो चांद बन गया ना, अब इसको भी चांद बनाना है, तो आप क्या करें, ऊपर ऊपर हटा दो, क्या बन गया, एक अच्छा सा चांद बन गया। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी चांद कैसे बनाना है, ठीक है, शायद आपको क्लियर हो रहा होगा कि चांद कैसे बनाना है, समझ में आ गया क्या। सबसे पहला काम सर्कल बनाना है, दो ठो, फिर बाहर वाला एरिया कलर कर दो, फिर उसके ऊपर ऊपर, ठीक है, एकदम नीचे वाला एरिया छोड़ देना है हमें, ठीक है, वो हम लोग का कलर हो जाएगा। तो अभी हम लोग का एक नाइट सीन बन के तैयार हो गया बिल्कुल, ठीक है। अब इसे आप क्या करोगे, राम बनाए हैं तो राम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो
सेव करने के लिए वो कहाँ पे जाएंगे, पेंट मेनू में आए, यहाँ से सेव बटन पे क्लिक किया इन्होंने। देखिए सारा ऑप्शन आपको यही मिलता है, जब आप पेंट मेनू पे क्लिक करोगे तब यही ना, पेंट मेनू, न्यू है, ओपन है, सेव है। बारी बारी से हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग चलेंगे सेव ऑप्शन पे, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस यस। देखिए लिखा हुआ आ रहा है कंट्रोल प्लस यस, इसका शॉर्टकट होता है। तो आप कीबोर्ड से चाहें तो कीबोर्ड से भी आप प्रेस कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल एस पे या सेव पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ डायलॉग बॉक्स इस टाइप आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपसे पूछने वाला है ये, एकदम ऊपर आप देख रहे होंगे डिस पीसी पिक्चर लिखा गया है। तो ये पिक्चर फाइल में सेव हो रहा है, हमें पिक्चर में सेव नहीं करना है, तो हमें अगर डेस्कटॉप पे सेव करना है, देखिए डेस्कटॉप जो होता है तो सबसे ऊपर होता है आपके एरिया, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ फर्स्ट एरो पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए डेस्कटॉप, वन ड्राइव, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको डेस्कटॉप पे क्लिक कर देना है। डेस्कटॉप पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे डेस्कटॉप आ गया तुरंत। अब उसके बाद नीचे आप देखोगे दो ऑप्शन आपको नीचे मिलेंगे, फाइल नेम और सेव एज टाइप। ये तो .png है, जो है इसका एक्सटेंशन नेम होता है, एमएस पेंट का जो है एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .png, ठीक है, और .bmp भी होता है। देखिए .bmp भी होता है, तो चाहे आप png में सेव करना चाहते हो png ले लो, jpg में सेव करना चाहते हो jpg फॉर्मेट ले लो, bmp लेना है तो bmp ले लो, तो हम लोग png ले लेते हैं, ठीक है। फाइल नेम यहाँ आपको लिख देना है, तो राम की फाइल है तो जाहिर सी बात है वो अपना नाम लिखेगा। तो हम लोगों ने तीन काम किया, क्या क्या किया, अभी यहाँ पे हम लोगों ने तीन वर्क किए हैं, ठीक है। पहला वर्क हम लोग का था यहाँ पे कि लोकेशन, दूसरा क्या था राम, फाइल का नाम, तीसरा जो है फाइल टाइप हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया PNG, ठीक है। तो लोकेशन डेस्कटॉप लेकर हम लोगों ने क्या किया, सेव कर दिया, ठीक है। तो अब जो है राम जो है फाइल सेव होकर करके फ्री हो गए, ठीक है। अब जो है सामने, ठीक है, अब जो है देखिए मैं राम जो है क्लोज करेंगे ना इसको, तो यहाँ देखिए टाइटल बार में जाके क्लोज कर दो, या फिर आप पेंट मेनू में आके क्या करो, एग्जिट हो जाओ, दोनों बात सेम है, ठीक है। तो यहाँ से वो क्लोज करके चले गए, ठीक है। अब आया श्याम, तो जब ये क्लोज करके चले गए तो आप कौन आया, श्याम आता है। श्याम क्या कहेगा, हम भी बनाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि वो बना के चला गया है। तो अब वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा फिर से, तो स्टार्ट मेनू, वो आया तो उसे पता था कि शॉर्ट तो तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी इसका ओपन करने का होता है, आप रन कमांड ओपन कर लें, ठीक है। शॉर्ट तरीके क्या होते हैं, विंकी प्लस आर करके आप रन कमांड ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। तो रन कमांड ओपन करने के बाद आपको रन कमांड लिखा, ठीक है। जैसे ही आप विंकी प्लस आर करोगे रन कमांड खुल जाएगा। जब रन कमांड खुल जाएगा तो वहाँ आप लिख दीजिएगा पी ब्रश, क्या टाइप करना पड़ेगा, पी ब्रश, ठीक है। या फिर आप एम एस पेंट लिख दें, स्पेस नहीं करना है, लगातार लिखना है, एम एस पेंट लिख देंगे तो भी खुल जाएगा, और यदि आप पी ब्रश लिखते हैं तो भी खुल जाएगा, ठीक है। जैसे कि जैसे हम विंकी प्लस आर प्रेस करेंगे तो आपको रन कमांड दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या खुल गया, रन कमांड ओपन हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ आपको टाइप करना है, ठीक। तो रन कमांड में आप टाइप करेंगे, देखिए क्या टाइप करना है आपको, यहाँ पावर पी एन टी लिखा है तो इसकी जगह आप लिखेंगे पी प्रेस आर यू एस एच, ठीक है। चाहे आप एम एस पेंट लिख दो डायरेक्ट, देखिए एम एस पेंट आप लिखेंगे तो एम एस पेंट ऐसे लिखना होगा, यानी आप इसमें स्पेस नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है, स्पेस नहीं कर पाओगे। बाकी आप पी ब्रश लिख दो, एम एस पेंट लिख दो, दोनों अलग की बात है, ठीक है। तो हमने एम एस पेंट लिख दिया और ओपन या ओके कर दिया, तो आपके सामने देखिए एम एस पेंट का डायलॉग बॉक्स खुल गया। तो अब श्याम ने ओपन कर लिया, ठीक है। अब श्याम क्या बोल रहा है कि हमें बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक वो आ जाएगा मार्केट से ना, तो वो क्या करेगा, तुरंत बोलेगा कि चलो ओपन करो उसी की फाइल। तो वो फाइल कैसे ओपन करेगा ये भी सीखते हैं हम लोग।
तो सेम फाइल ओपन करने के लिए कहाँ आएगा, फाइल मेनू में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना कहाँ आएगा सेम, फाइल मेनू में आएगा। ठीक है, या पेंट मेनू बोले इसको। उसके बाद आपको ओपन ऑप्शन एक दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन लिखा है, ओपन पे क्लिक कर दो। जैसे ही ओपन पे क्लिक होगा तो देखिए डेस्कटॉप पे हूँ मैं। अब डेस्कटॉप पे आप अपनी फाइल को ढूंढ लीजिए। ठीक है, तो आप देखोगे इधर कहीं देखिए सिवा बहुत सारी फाइलें हैं, तो हम लोगों ने जो सेव किया था राम नाम से ये फाइल है। ठीक है, इसको क्या किया, ओपन किया। तो अब क्या हुआ, उसका जो है चांद मिल गया। तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, उसके लिए तो ये चीज़ आसान हो गई। अब वो तुरंत जो है तो बना हुआ था ये ऑलरेडी, उसने क्या किया ब्रश उठाया यहाँ से। ठीक है, और ये आपका एयर ब्रश एक ऑप्शन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चौथे नंबर का ब्रश है जिसका नाम किया एयर ब्रश। इस पर क्लिक करेंगे, इसमें कलर लिया हो वाइट कलर। ठीक है, अब आके इसमें कलर भरने लगा, देखिए बहुत पास पास कलर आ रहा है। ठीक है, एयर ब्रश का मतलब है कि कलर को हो तो छिड़काव करेगा ये, तो दूर दूर तक कलर बिखर जाएगा। तो ऐसा हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोगों को यदि हमको कलर फैलाना है हम लोगों को, तो आपको प्रेस करना पड़ता है कंट्रोल प्लस प्लस। ठीक है, क्या प्रेस करना पड़ेगा, CTRL कंट्रोल प्लस प्लस। ठीक है, मतलब कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करना है आपको कीबोर्ड का। ठीक है, और यदि कम करना होगा तो कंट्रोल के साथ माइनस। ठीक है, अब एक इन दोनों ऑप्शन का हर जगह इरेजर का साइज बड़ा करना है तो भी इसी का काम होता है, ध्यान रखना। ठीक है, यदि पेंसिल को मोटा पतला करना है तो भी इसी का यूज़ होता है, किसी ब्रश को मोटा करना है पतला करना है तो भी इसी का यूज़ होता है। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं, हम लोग अपना एम एस पेंट ओपन करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप एम एस पेंट पे आओगे तो आपके सामने देखिए एम एस पेंट खुल गया। ठीक, अब एम एस पेंट में अगर वो क्या किया, कलर भर दिया, कलर भरने के लिए ब्रश लिया, अब उसके बाद कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस कर दिया है वो। ठीक है, कंट्रोल के साथ जैसे ही आप प्रेस करेगा प्लस हो, अब देखेंगे कलर जो है बिल्कुल दूर आ रहा होगा। ठीक है, तो कलर आपका बिल्कुल क्या हो गया, अब दूर हो गया। अब आप इसको देखिए थोड़ा सा कलर जो है ऐसा ऐसा लगे कि इसमें तारे हैं, देखिए तो आसमान में ये तारे भर रहे हैं हल्का दूर करके। ठीक है, कुछ अलग कलर के भी तारे भरने का मन हो तो उसने येलो भी ले लिया, देखिए अगर वो पिंक कलर लेना चाहता है तो पिंक कलर भी ले लेगा। ठीक है, कहीं 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 कुछ जो कलर मन करे वो कलर सेलेक्ट कर लो। ठीक है, चूँकि आसमान तुम्हारा है तो कोई भी तारा मतलब भर दो, वाइट ब्लू। ठीक है, आसमान आपका है और चांद भी आप हैं अपने आसमान के, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो कलर हो वो भर दो। ठीक है, कलर भर दिया गया। अब आपको यदि सेव करने की बात आएगी इसको, तो श्याम गलती नहीं करना चाहेगा क्योंकि राम पहले से सेव कर चुका है, तो राम क्या करेगा, डायरेक्ट वो सेव एज में जाएगा। ठीक है, अगर सेव कर देगा तो फाइल उसी में सेव हो जाएगी, तो वो क्या काम करेगा, सेव एज करेगा। ठीक है, तो जैसे ही वो सेव एज करता है, सेव एज पे क्लिक करेगा, तो यहाँ पे देखिए फाइल का नाम और लोकेशन चेंज करने के लिए आ गया। ठीक है, तो वो केवल नाम चेंज कर देगा, बोलेगा श्याम, राम की जगह वो श्याम कर दिया, बाकी लोकेशन भी चेंज कर सकता है वो। ठीक है, आपके ऊपर है कि लोकेशन आप चेंज करें कि नहीं। ठीक है, इसको बस आपको यहाँ से क्या कर देना है, सेव कर देना है। तो जैसे ही सेव करोगे यहाँ पे देखिए क्या दिख गया, श्याम लिखा हुआ है। ठीक है, SHYAM। तो अगर इसको हम लोग क्लोज कर दें यहाँ से, तो आप देखेंगे कि एक बार फाइल जो है सेव थी, तो श्याम ने क्या किया, थोड़ी सी चेंजिंग करके जो है फाइल अपने नाम से कर ली। ठीक है, अब इसे हम चाहें तो इतने पे सेव भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो वो सेव करके कट कर दिया बिल्कुल। ठीक है, अब श्याम की अलग फाइल हो गई, राम की अलग फाइल होगी। अब राम की देखिए ओपन करिए, इसमें आपका जो है कलर नहीं है तारा वाला, अगर आप इसको श्याम की फाइल ओपन करेंगे तो इसमें कलर है। तो फाइल को ओपन करने का तरीका तो हमने आपको दिखा ही दिया है कि आपको क्या करना है, एम एस पेंट ओके कर लेना है, फिर ओपन पे आना है। ओपन पे जैसे ही आप आएंगे तो डेस्कटॉप पे ये फाइल सेव है, आसानी से आप इसको लेकर ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक का ऑप्शन आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक
ठीक है, आगे हम लोग प्रिंट ऑप्शन पे आते हैं। देखिए प्रिंट ऑप्शन पे आते हो आप तो तीन ऑप्शन मिलेगा आपको, एक प्रिंट करने के लिए मिलेगा डायरेक्ट, एक पेज सेटअप मिलेगा। तो पेज सेटअप में क्या क्या होता है आप ये चीज़ सीख लो, हालांकि पहले एक बार पढ़े हो आपको ज़रूर समझ में आ रही होगी बात आपको, ठीक है। तो अभी आपको बात यहाँ से क्लियर हो पा रही होगी पेज सेटअप में क्या क्या चीज़ें सेटअप करनी पड़ती है। तो सबसे पहला जो सेटअप है इसका, आपका साइज इसका A4 लेना पड़ता है आपको, ध्यान रखिएगा, ठीक है। साइज क्या लेना है आपको, A4 लेना है, इस बात का ध्यान रखें। A4 साइज आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा ओरिएंटेशन, ठीक है। पेपर का साइज़ तो बहुत सारा साइज होता है, लेकिन आपको जो साइज़ लेनी है वो साइज हमने बता दिया कि आपको A4 साइज़ सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको जैसा वर्क है उस हिसाब से आप अपना पेज का साइज़ ले लीजिए। जैसे A4 साइज़ यदि हम लोग ले लें यहाँ से, उसके बाद आपको मिलेगा ओरिएंटेशन। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है, हमने बताया था। पोर्ट्रेट का मतलब पेज आपका खड़े में रहेगा, लैंडस्केप का मतलब पेज आपका कैसे हो जाएगा, बेड़े में हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही इजी ऑप्शन, समझ में आ रही बात। ओरिएंटेशन पहला चीज़ हमने सेटिंग कराया पेज का साइज, दूसरी चीज़ मैं कर क्या करा रहा हूँ इसमें, ओरिएंटेशन इसका सेट कर रहे हैं हम लोग। इतनी सेटिंग करने के बाद उसके बाद मार्जिन्स पे आप आओगे। सेंटरिंग का मतलब समझ लो, हॉरिजॉन्टली मतलब क्षैतिज यानी कि लेफ्ट और राइट से बराबर हो जाएगा, और वर्टिकली मतलब ऊर्ध्वाधर हो गया, ऊपर नीचे जो है इक्वल हो जाएगा। देखिए नीचे यहाँ ज़्यादा स्पेस छोटा है, यहाँ कम कम स्पेस है, तो अगर आप वर्टिकल पे क्लिक करें देखिए क्या हुआ, दोनों साइड बराबर आ गया। यहाँ से आपको ये ऑप्शन बराबर हो गए, यहाँ से आपको ये ऑप्शन भी बराबर हो गए। हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर देंगे हम लोग, दोनों साइड से क्या हुआ, जगह देखिए बिल्कुल बराबर छूट रहे हैं, ठीक है। आई होप बात आपको समझ में आ रही होगी। वर्टिकल का मतलब आपका ये देखिए बिल्कुल बराबर है ऊपर से और नीचे से, हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट और राइट से इक्वल है, ठीक है। तीन चीज़ों में हम लोग सेटिंग किया, पेपर का साइज, ओरिएंटेशन, तीसरा नंबर सेंटरिंग। उसके बाद आपको मिलेगा मार्जिन्स। मार्जिन्स क्या होता है आपको, ये जो डॉट डॉट लाइन दिख रहा है, ठीक है, इसके किनारे किनारे जो लाइन छूटा हुआ है इसको हम लोग मार्जिन्स नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऊपर 0.5 है, अगर हमको 2 छोड़ना है तो आप देखिए 2 करिए, देखिए क्या हुआ, लेफ्ट से 2 छूट गया, 2 इंच छूट गया, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। 0.5 था तो कुछ कम था ना, 0.5 देखिए। तो जितना आपको स्पेस छोड़ना है इंच में देखिए दिया है, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम। मार्जिन्स 4 प्रकार के होते हैं बता देंगे, एक आपका हो जाएगा लेफ्ट, दूसरा टॉप, तीसरा राइट हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा बॉटम हो जाएगा, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ठीक है। स्केलिंग का मतलब समझ लो यहाँ पे, ठीक है। स्केलिंग का मतलब मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। अभी जो है 1x1 का मतलब ये है कि आपका जो भी ड्राइंग है वो आपका केवल एक पेज में फिट होगा। 1x2 कर लोगे तो वहीं देखिए कई पेजों में बढ़ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे आपको ड्राइंग कटने लगी, इसको मैं इसके प्रीव्यू में करके दिखाता हूँ आपको कि कैसा होगा इसका यूज, यानी इस ऑप्शन का यूज करने के बाद क्या इफेक्ट आएगा। जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करते हो तो आपके सामने देखिए नेक्स्ट पेज करते जाओ, ठीक है, 2 पेज में हो गया क्या ये आपका ड्राइंग, ठीक है। 2 पेज आप एक साथ भी दे सकते हो, यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ है देखिए 1 पेज और 2 पेज। तो जितना पेज आपको देखना हो आप यहाँ से डायरेक्टली देख पाओगे। 1 पेज देखने है 1 पेज देखो, 2 पेज देखना है तो 2 पेज देख लो, ठीक है। समझ में आई बात। प्रीवियस नेक्स्ट करने का मतलब है कि नेक्स्ट मतलब अगला पिक्चर, अगला पार्ट, अगला पेज, और प्रीवियस मतलब पिछला पेज। क्लोज मतलब इसको क्लोज कर दो। जूम इन का मतलब क्या है, इसका जूम करना होगा तो जूम इन कर दीजिएगा, ठीक है, और जूम आउट करना होगा तो जूम आउट कर दो इसको, ठीक है। उसके बाद आपका पेज सेटअप आता है। पेज सेटअप भी वही वाला ऑप्शन है, सब देखिए साइज वगैरह सब। 1x2 किया हूँ मैं, 1x5 कर दो और कम हो जाएगा, मतलब और पेज बढ़ जाएंगे। इस समय आपके पास देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 पेज हो गए टोटल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्केलिंग सेट होता है। एडजस्ट टू अगर 100% करते हैं, देखिए एक ही पेज में एडजस्ट हो गया, 100% से हल्का सा बड़ा करूँ मैं, अगर
120 कर दूं, देखिए हाफ हो जा रहा है, 110 करूं तो भी हाफ हो जा रहा है, 102 करें कोई इफेक्ट नहीं, 105 ठीक है, 105 करेंगे थोड़ा सा आपका बड़ा होगा चित्र। देखिए इस तरीके से आपको क्या सेट करना है, स्केलिंग सेट करनी है और पेज सेटिंग करनी है। इतना जब आप कर लेंगे तो फाइनली यदि आपको प्रिंट करना होगा तो आप यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हो। अगर आप यहाँ से नहीं प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसको क्लोज कर दें। उसके बाद आप यहाँ देखिए न्यू पेज का मतलब आप न्यू पेज ले सकते हो, ये शॉर्टकट भी इसका यूज कर सकते हो, कंट्रोल प्लस एन। ओपन करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ पे कंट्रोल प्लस ओ का, तो कंट्रोल प्लस ओ से आप ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो कंट्रोल एस से। सेव एज का शॉर्टकट नहीं होता है, प्रिंट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस पी। इसका इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली जो है प्रिंट कर सकते हो। जैसे आप प्रिंट पे आओगे सबसे पहले आपसे पूछेगा प्रिंटर कौन सा है, तो यार देखिए 3-4 प्रिंटर आपको दिखाई दे रहे हैं क्या, तो इसमें से आप सेलेक्ट कर लो कौन सा प्रिंटर है आपका, ठीक है। उसके बाद आपको जो है उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा सेलेक्ट प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर सेलेक्ट करना है, प्रिंटर सेलेक्ट कर लो, कितनी कॉपी लेनी है यहाँ से, फिर अप्लाई करके आप यहाँ से प्रिंट कर दोगे तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी वे में आपको बता दिया, लेकिन मुझे प्रिंट करना नहीं है, मेरे पास ना तो प्रिंटर है। तीनों ऑप्शन समझ में आ गया। उसके बाद आपका है ये स्कैनर या कैमरा से फ़ोटो लेने के लिए है, बाकी ईमेल के द्वारा इसको सेंड करना चाहते हो तो आप सेंड कर सकते हो, मेल कर सकते हो। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इसका मतलब समझते हैं हम लोग, ठीक है। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का यूज़ क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। तो जो आप ड्राइंग बनाए हैं इसको अगर आप चाहते हो डेस्कटॉप पर बैकग्राउंड के रूप में सेव करना, जैसे अभी देखिए बैकग्राउंड दिख रहा है, आप चाहते हैं जो ड्राइंग आप बनाए हैं वो सेट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ आना है, ठीक है, और आपको अपना ओपन कर लेना पेज। तो न्यू कर दिया, देखिए न्यू पेज हो गया, कोई भी ड्राइंग आप इस पर ओपन कर लो, तो डेस्कटॉप पे आ जाओ जहाँ आप ड्राइंग बना के सेव किए हो, ठीक है। जो आप ड्राइंग बनाए थे वही ड्राइंग हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे आप इसको लेकर ओपन करेंगे, आप इसको आइए यहाँ पे सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड फिल पे क्लिक करोगे तो पूरा जो है स्क्रीन फिल हो जाएगा, ठीक है। टाइटल मतलब यदि आपका पिक्चर छोटा है तो कई बार जो है एक मतलब ओरिजिनल साइज रहेगी तब उसमें जूमिंग नहीं होगा, ध्यान रखना। सेंटर मतलब सेंटर में आ जाएगा, मिडिल में आपका पिक्चर। अब अगर जैसे ही आप फिल पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, देखो आपका एक ही चित्र जो है पूरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और यदि आप चाहते हो कि ये अगर पिक्चर का साइज छोटा है तो कई पार्ट में दिखे तो आप यहाँ फिल की जगह टाइल पे क्लिक करिएगा, तो टाइल पे क्लिक करने से देखिए क्या हुआ, हमारा पिक्चर यहीं तक है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट इसी को कई बार लगा दिया, ठीक है। बाकी उसके बाद आपको अगर मिडिल में सेंटर में करना होगा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, सेंटर पे क्लिक कर दीजिएगा, देखिए क्या हुआ, ठीक बीच में आ गया, किनारे किनारे ब्लैक हो गया, ठीक है। ये होते हैं ऑप्शन, तीनों ऑप्शन समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग आएंगे प्रॉपर्टीज पे। अगर आपको पेज का साइज़ देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका जो है पेज का साइज़ भी यूनिट में कर रहा है, इंच में भी आप कर सकते हो, सेंटीमीटर में भी कर सकते हो। तो ये यूनिट का प्रभाव कहाँ पड़ेगा, ये आपका रूलर दिख रहा होगा इस पर इफेक्ट होगा। जैसे सेंटीमीटर में करके दिखाता हूँ आपको, देखिए अभी 6-8-10 चलने लगा आपका, ठीक है, सेंटीमीटर में हो गया इस समय रूलर का जो यूनिट है। और वहीं अगर आप प्रॉपर्टीज़ में आकर शॉर्टकट इसका कंट्रोल प्लस ई होता है, ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हो कि इसको इंच में कर लें तो आप इंच में क्लिक कर दो, पिक्सल पे करना देखो पिक्सल में ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप मात्रक ले, अभी 1458 है, इसको मैं अगर 2000 करना चाहता हूँ इसकी चौड़ाई, ठीक है, विथ इसकी हम कितना करना चाहते हैं 2000, ओके करेंगे, देखिए क्या हो, बहुत ज़्यादा इधर चौड़ा होगा, अब इधर आएंगे तो इधर तक ये दिखाई देगा, ठीक है। तो ये था इसकी पेज की साइज़ कम छोटा बड़ा करना। जैसे अगर आप यहाँ जाते हो 500 हो जाए, ठीक है, तो यहाँ आप 500 लिखोगे, हाइट इसकी
250 करना चाहते हो 250 कर, देखो और छोटा हो जाएगा स्क्रीन, समझ में आ गई बात। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पेज का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो प्रॉपर्टीज ऑप्शन की सहायता से, बाकी यूनिट आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो विथ मान लो 1000 हम लोग ले लेते हैं, 500 ले लिया, पेज आपका छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट ऑप्शन है हम लोगों का अबाउट पेंट। ये देखिए पेंट के बारे में बताता है कि कौन सा वर्जन है, ये विंडोज 10 में होम ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है, इसलिए यहाँ विंडोज 10 लिखा हुआ है, बाकी आपके ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद आपका एक ऑप्शन है एग्जिट का, तो जो कुछ भी आप बनाए रहेंगे सब क्लोज हो जाएगा, एग्जिट करेंगे, सेव करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग सेव नहीं करने चाहते हैं तो डोंट सेव कर देंगे। इस तरीके से हम लोग एमएस पेंट से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, और अभी आज आज की क्लास में जो हम लोगों ने सीखा है, आप देख रहे हो कि अभी जो है क्लास में आज हम लोगों ने एमएस पेंट का डायलॉग बॉक्स क्लियर किया है। एमएस पेंट का पहले तो हम लोगों ने डायलॉग बॉक्स क्लियर किया है, डायलॉग बॉक्स के बाद आपका एक ऑप्शन इसमें हम लोग और सीखे हैं डायलॉग बॉक्स के अलावा, वो है पेंट मीनू। ठीक है, पेंट मीनू की भी जानकारी हम लोग लिए। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में जो आज के सेशन में हम लोग का हाईलाइट चीज़ें हैं उसको मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो हाईलाइट ये है कि इसका डायलॉग बॉक्स जो था वो तो था ही, बाकी आपकी जूमिंग जो है हाईलाइट है। ठीक है, जूमिंग में हम लोगों ने बात किया था, इसमें जो है जो मैक्सिमम जूमिंग होती है उसकी बात हम लोगों ने किया है कि मैक्सिमम इसकी जूमिंग होती है 800%। ठीक है, और अगर मिनिमम की बात करेंगे हम लोग कम से कम की, तो इसकी जो कम से कम जूमिंग होती है 12.5%। ठीक है, और यदि आपको डिफ़ॉल्ट जूमिंग पूछता है तो आप बताएंगे डिफ़ॉल्ट जूमिंग के रूप में 100%। ठीक है, ध्यान रखना एक चीज़ और हाईलाइट होगा। ठीक है, एक्सटेंशन ये हर सॉफ्टवेयर में आता है तो इसको ज़रूर याद रखेंगे। एमएस पेंट का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो आपका होता है .png। ठीक है, .png या फिर होता है .bmp। दोनों बात क्लियर हो पा रही होगी आपको, .png या तो .bmp। ठीक है, बाकी जो शॉर्टकट आपको बताया है, जैसे हमने रन कमांड का आपको शॉर्टकट बताया है, आज की विंकी प्लस आर होता है, इसके पहले भी बता चुके हैं, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन इस आज के हाइलाइट्स हैं जो आप ज़रूर इसको तैयार करें, और कल हम लोग होम टैब की क्लास करेंगे। ठीक, तो अभी आज हम लोगों को एमएस पेंट का डायलॉग बॉक्स क्लियर हुआ और पेंट मीनू क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो है रही बात होम टैब और व्यू टैब की, तो कल हम लोग होम टैब क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे व्यू टैब। ठीक है, तो अभी क्लास को ऑफ करते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। तो आप सेशन में जुड़े रहें और अपने मित्रों को ज़रूर बताएं क्लास के बारे में, ताकि वो लोग भी आकर इस फ्री क्लास का बेनिफिट उठा सकें, फ़ायदा उठा सकें और उन्हें भी फ़ायदा हो सके। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।